दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों आज भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों क्या 5G की वजह से ही देश में इतनी मौत हो रही है, इतनी जान जा रही है, जी हां, और इसको कोरोना नाम दिया गया है? जी तो चलिए इस धार्मिक बातों से पर्दा उठाते हैं। जी हां, 5G नेटवर्क को लेकर कई तरह की अफवाहें सुनने को मिल रही थी। इसी बीच ADG LO प्रशांत कुमार ने सभी जिलों के कैप्टन और पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि वे 5G नेटवर्क ट्रायल को लेकर किसी भी धार्मिक अफवाह फैलाने वालों को ढूंढा जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि ये अफवाहें सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर फैलाई जा रही है। इसके अलावा कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी है जो वायरल हो रही है। रिकॉर्डिंग की जांच करके पता लगा कि बनारस के कुछ युवकों ने बिहार के युवक को फोन किया था और कहा था कि 5G टावर की टेस्टिंग के दौरान उसके रेडियन से लोगों की मौत हो रही है, लोगों की जान जा रही है। जब पुलिस ने इस कॉल रिकॉर्डिंग को फर्जी और अफवाह बताया है, इसके बाद मुख्यालय ने ऐसी फर्जी बातें फैलाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है और कहा है कि ऐसी कोई भी तथ्य नहीं है जिससे 5G की वजह से कोई भी नुकसान हो। जी, और ये जो भी अफवाह फैलाई जा रही है ये बिल्कुल भी सरासर गलत भारमक बातें हैं। दोस्तों देश में चल रहे कोरोना हालातों को लेकर AIMIM सुप्रीमो और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख किया है। केंद्र सरकार को अब तक की सबसे अवैज्ञानिक सरकार कहते हुए ओवैसी ने कहा है कि पहले लहर के बाद सरकार ने जीत का ऐलान कर दिया और खुद से ही खुद को शाबाशी दे दी। उन्होंने कहा कि अब दूसरे लहर के कहर को देखकर सरकार कुछ भी कहने से कतर रही है। उनके अपने वैज्ञानिक सलाहकार तीसरी लहर को लेकर असमंजस्य की स्थिति में है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नेशनल टास्क फोर्स गठित करने को लेकर उन्होंने अपने अगले ट्वीट में कहा है कि अगर दूसरे लहर के लिए सरकार तैयार रहती और उनका रवैया लापरवाही भरा नहीं होता तो इसकी जरूरत नहीं होती। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह कदम दर्शाता है कि सरकार किस तरह संवैधानिक संस्थानों की स्वतंत्रता को खंडित करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों कोरोना के इस काल में आम आदमी की आर्थिक स्थिति पर सीधे तौर पर असर पड़ा है। यह ऐसी स्थिति में गर्भवती होने वाली महिलाओं के कल्याण के लिए जनवरी 2017 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना उनके लिए वरदान साबित हो रही है। यह इस योजना के अंतर्गत अब तक लाखों महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है जी और इसका फायदा उठा रही है। यह दरअसल केंद्र सरकार इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के खाते में 5,000 रुपये दे रही है जी। अगर आप भी इसका लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आज हम आपको बता रहे हैं कैसे आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जी हां, देश की महिलाओं और नवजात बच्चों के भविष्य को लेकर मोदी सरकार कई अहम कदम उठा रही है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रहे महिलाओं को 5,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाती है सरकार की तरफ से। ये 3 अलग-अलग किस्तों में दी जाती है। आपको बता दें कि 19 साल से पहले गर्भवती हुए महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आप CSC काउंटर में जाएं और फिर वहां से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं। दोस्तों यूपी में कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। यह सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। पहले आज यानी कि 10 मई तक ये पाबंदियां लागू की गई थी लेकिन अब इसको और भी बढ़ा दिया गया है। दोस्तों राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार को थामने के लिए लगाया गया लॉकडाउन अब 1 हफ्ते के लिए और भी बढ़ा दिया गया है। जय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में लागू लॉकडाउन की अवधि अगले सोमवार की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी गई है। जय दिल्ली मेट्रो का संचालन भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है यानी कि मेट्रो भी नहीं चलेगी। जय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में लोगों के कोरोना से संक्रमित पाए जाने की दर 26 अप्रैल को 35% थी जो पिछले कुछ दिन में गिरकर 23% हो गई है। दोस्तों देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट विपक्षी दलों के निशाने पर आ गया है। जी अभी तक कई नेता इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठा चुके हैं। जी आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले प्रधानमंत्री आवास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। जी उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि देश को PM आवास नहीं बल्कि सांस चाहिए। जी आपको बता दूं कि मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा एक हिस्सा दिसंबर 2022 तक
बनकर तैयार हो जाएगा। जी हां, इस हिस्से के तहत उपराष्ट्रपति भवन और पीएम आवास बनकर तैयार किए जाएंगे। मोदी सरकार के लिए यह प्रोजेक्ट कितना अहम है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कोरोना के मामले में तेजी से होती वृद्धि के बावजूद इस परियोजना का काम नहीं रोका गया है। कई विपक्षी दल अब तक इस पर कड़ी आपत्ति जता चुके हैं। सीपीआई नेता सीतारमन येचुरी ने इस पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया था, जी हां, और कहा था कि यह विचित्र है कि ऑक्सीजन और वैक्सीन के लिए कोई पैसा नहीं है। हमारे भाई बहन ऑक्सीजन और हॉस्पिटल के इंतजाम में मर रहे हैं। मोदी अपने अहंकार को पूरा करने के लिए लोगों का पैसा खर्च करेंगे। यह पूर्व बीजेपी सांसद और वर्तमान में टीएमसी के नेता यशवंत सिन्हा ने लिखा है कि लोग कोरोना से मर रहे हैं, लेकिन पीएम की प्राथमिकता सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है जिसमें हजारों करोड़ रुपए की लागत है। क्या वे पागल है? क्या हमें इसके बजाय अस्पताल का निर्माण नहीं करना चाहिए? यह पीएम के रूप में एक अहंकारी को चुनने की देश को कितनी अधिक कीमत चुकानी होगी। इसके अलावा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी केंद्र सरकार की इस परियोजना पर सवाल उठाए थे। दोस्तों, कोरोना काल में महंगाई एक बार फिर से सातवें आसमान पर है। यह इसमें भी रोजमर्रा की जरूरतों में शामिल खाद तेल के भाव तो चढ़ते ही जा रहे हैं। यह न केवल सरसों के तेल बल्कि सोयाबीन, पाम ऑयल, राइस ऑयल, तिल का तेल, सनफ्लावर समेत सभी वेजिटेबल तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है। यह ऐसे में देसी सरसों तेल भी पीछे नहीं है। खुदरा भाव की बात करें तो 150 से 170 रुपए प्रति लीटर से कम कोई भी खाद तेल नहीं है। घर की रसोई हो या फिर रेस्टोरेंट, ढाबा, खाना पकाने के लिए सबसे जरूरी खाद तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। तेल की कीमतों में जिस तरीके से आग लगी हुई है, उससे सब्जियों और दाल में तड़का लगाने में महंगा साबित हो रहा है। ये इसके पीछे मुख्य वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी है और चीन का भंडारण। चीन लगातार वेजिटेबल ऑयल को अंतरराष्ट्रीय बाजार से खरीद कर स्टोर कर रहे हैं। दिल्ली में जहां रोज 1500 टन की खपत है, तो भारत में पूरे साल में 200 लाख टन की खपत होती है। ये इसमें 150 लाख टन आयात किया जाता है, यानी कि भारत में खपत होने वाला खाद्य तेल 75% विदेशों से आता है। यह पिछले 6 महीने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। मलेशिया, इंडोनेशिया से पामोलिव रिफाइंड आता है। यह अर्जेंटीना और अमेरिका से सोयाबीन का तेल आता है। वहां फसल खराब होने की वजह से भाव बढ़े हुए हैं। बाहर से आने वाले सब खाद्य तेलों के भाव तेज हैं, तो सरसों तेल में भी तेजी आना स्वाभाविक है। यह भारत के किसानों को सरसों के उपज का उचित दाम मिल पा रहा है। यह जून जुलाई में तेल के भाव कम होने की उम्मीद जगी है। दोस्तों, देश में हर रोज कोरोना के कई मामले सामने आ रहे हैं। जी, हर रोज मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। जी, कोरोना की चपेट में आने वाले कई लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं। इसी का एक उदाहरण दिल्ली से सामने आया है, जिसमें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके एक सीनियर डॉक्टर न केवल कोरोना से संक्रमित हुए बल्कि अब अपनी जान भी गंवा चुके हैं। जी, देश में इस वक्त कोरोना की स्थिति बेहद गंभीर है। ऐसे में ये केवल एक खबर ही नहीं बल्कि लोगों के लिए अलर्ट है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी की कोई गुंजाइश नहीं है। खुद की और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हमें हर तरीके से सतर्क रहना होगा। यह दिल्ली के सरोज हॉस्पिटल में काम करने वाले 58 साल के डॉक्टर अनिल कुमार रावत की जान चली गई है। वे कोरोना से संक्रमित थे। ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और 2 दिन पहले ही वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। एक अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक वेंटिलेटर पर शिफ्ट होने से पहले उन्होंने अपने सहकर्मियों से कहा था कि मैं इससे बाहर आ जाऊंगा, मैंने वैक्सीन ले ली है, दोनों डोज ले ली है, मैं ठीक हो जाऊंगा। यह जानकारी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज उन्होंने मार्च की शुरुआत में ही ले ली थी। यह ऐसे में उन्हें पूरा भरोसा था कि इससे वे बिल्कुल भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन वे ठीक नहीं हुए बल्कि वे दुनिया से अलविदा हो गए। दोस्तों, भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। देश में बीते 2 हफ्तों से रोजाना 3-4-5 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। जो कोरोना के कहर को कम करने के लिए देश के लगभग सभी राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू है, फिर भी मामलों में कमी नहीं आ रही है। इस बीच रविवार को कोरोना के नए मामले एक बार फिर से 4 लाख के पार पहुंच गया। यह देश में ये 5वीं बार है जब एक दिन में 4 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। यह रविवार को भारत में कोरोना के 4.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए और इस दौरान करीब 4,100 लोगों की जान चली गई। दोस्तों, असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा होंगे। यह जानकारी केडीबी लाइव को सूत्रों से मिली है। जब बीजेपी में कल से ही बैठकों का दौर जारी था, सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा को बीजेपी आला कमान ने मीटिंग के लिए दिल्ली बुलाया था। यह दोनों नेताओं की कल दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। जी, अब खबर आ रही है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ही असम के नए मुख्यमंत्री होंगे।
दोस्तों केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर देश के अलग अलग राज्यों से आए किसानों का आंदोलन पिछले 5 महीनों से जारी है। यह 26 नवंबर से शुरू हुआ यह आंदोलन कोरोना महामारी के बीच भी जारी है और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यह कई बार स्पष्ट किया जा चुका है कि महामारी का हवाला देकर केंद्र सरकार इस आंदोलन पर बंद नहीं करवा सकती है। जी हाँ, इस आंदोलन को बंद नहीं करवा सकती है। किसान सभी कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 26 मई को यानी कि जब इस आंदोलन के 6 महीने पूरे होंगे तब संयुक्त किसान मोर्चा एक बड़ा फैसला लेगा। राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि किसान महीनों से अपने घरों से दूर बैठे हैं लेकिन सरकार बातचीत नहीं कर रही है। राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा है कि 26 तारीख को 6 महीने पूरे हो जाएंगे आंदोलन को। हम पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश से यही कहकर आए थे कि 6 महीने का राशन लेकर किसान दिल्ली की तरफ चले, लेकिन लगता है कि सरकार बातचीत नहीं करेगी तो फिर आगे का प्रोग्राम हमें बनाना पड़ेगा। जी हां, राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि 26 तारीख के बाद में एक बड़ा निर्णय किसान संगठन लेगा और मोर्चे को आगे बढ़ाया जाएगा। राशन पानी फिर से लेकर आएंगे हम। जी हां, आपको बता दूं कि कृषि कानून पर सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन उससे कोई भी हल नहीं निकलता है, यह नहीं निकला है। आखिरी बार दोनों पक्षों की बैठक जनवरी के अंतिम दिनों में हुई थी और तब से बातचीत अभी तक ठप है। दोस्तों आज का न्यूज बस यहां तक, कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।